हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रियलिस्टिक आई किस तरीके से ड्राइंग किया जाता है। अगर आप लोग बिगिनर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक टेक्निक के बारे में बताऊँगा और बेसिक कुछ गलती के बारे में बताऊँगा जो बिगिनर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले मैं अप्सरा का 8 पेंसिल का यूज़ करके दो आईज, दो सेम आई में ड्राइंग कर लूँगा। फिर एक में मैं शेडिंग करके दिखाऊंगा कि बिगिनर्स कैसे शेडिंग करते हैं और क्या क्या गलती करते हैं। दूसरे में मैं शेडिंग करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में किस तरीके से शेडिंग किया जाता है, क्या क्या गलती बिगिनर लोग जो अपनी स्केचिंग में करते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी ड्राइंग कर लेते हैं दोनों आई को। तो अब मेरा दोनों ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर वाले जो ड्राइंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं बिगिनर कैसे ड्राइंग करते हैं उसको ऐसे वैसे करके दिखाऊंगा, और नीचे वाले ड्राइंग को मैं एक्चुअल में कैसे किया जाता है उसको दिखाऊंगा नीचे वाले ड्राइंग में। तो चलिए ऊपर वाले ड्राइंग को पहले शेडिंग करते हैं, किस तरीके से बिगिनर लोग शेडिंग करते हैं देखते हैं। मैं कोई भी एक डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी एक डार्क पेंसिल का यूज़ करके जो आई बॉल का जो सेंटर पॉइंट जो है, जो डार्क होता है, उसको पहले डार्क करेंगे। फिर धीरे धीरे उसको डार्क करने के बाद उसकी साइड वाला जो पार्ट है उसको भी धीरे धीरे डार्क करेंगे। और वो केस डार्क नहीं होता है, थोड़ा सा लाइट होता है, तो उसी तरीके से ऑब्जर्व करके हम स्केचिंग करेंगे। आई बॉल का ड्राइंग होने के बाद के जो साइड पर जो आउटलाइन है, मैं इस आउटलाइन को पहले कर रहा हूँ अभी, धीरे धीरे हल्का सा डार्क होता है। इसके बाद ऊपर का जो स्किन टेक्सचर होता है उसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, फिर पूरा हल्का हल्का करके पूरा शेडिंग करेंगे धीरे धीरे। उसी एक ही पेंसिल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई पेंसिल चेंज नहीं किया हूँ, जो पहले जो डार्क था उसी पेंसिल से यूज़ करके मैं तो पूरा ही शेडिंग करूँगा। पूरा शेडिंग हो जाने के बाद इसके ऊपर के ऊपर जो आईब्रोज होता है उसको मैं अभी ड्राइंग कर रहा हूँ। धीरे धीरे आईब्रोज का जो एक पार्ट है उसको ड्राइंग कर रहा हूँ मैं। अब शेडिंग पूरा हो जाने के बाद इसको हम ब्लेंडिंग करेंगे। इसके लिए मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर ब्लेंडिंग करने के लिए। तो इसको पूरा ब्लेंडिंग करेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट ड्राइंग, किस तरीके से एक बिगिनर्स ड्राइंग करते हैं, बिगिनर किस तरीके से स्केचिंग करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। अब इसका जो नीचे वाला ड्राइंग है इसको मैं शेडिंग करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में किस तरीके से शेडिंग किया जाता है, किस तरीके से रियलिस्टिक शेडिंग किया जाता है, रियलिस्टिक इफेक्ट किस तरीके से लाया जाता है, ये मैं करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आई बॉल का जो सेंटर पार्ट है, जो डार्क पार्ट होता है, उसको मैं ये पूरा डार्क कर लूँगा, एकदम डार्क पार्ट होता है जो आई बॉल का सेंटर का पार्ट होता है। इसके बाद आई बॉल का जो साइड का आउटलाइन जो है, इसके लिए मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। 8B पेंसिल का यूज़ करके थोड़ा डार्क है, 10B से थोड़ा सा लाइट है। आप लोग आपकी पेंसिल के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, डार्क पेंसिल कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैं 8B का यूज़ करके आई बॉल का आउटलाइन को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि आई बॉल का जो सेंटर पार्ट होता है उसे आई बॉल का बाकी का पार्ट थोड़ा सा हल्का होता है, तो सेंटर पार्ट ज़्यादा डार्क होता है। तो 8B से आई बॉल का आउटलाइन को डार्क करने के बाद अब मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। इससे पूरा जो आई बॉल है उसको पूरा मैं स्केचिंग कर दूँगा, पूरा शेडिंग कर दूँगा। आई बॉल के ऊपर जो आप देख सकते हैं एक पार्ट मैंने छोड़ दिया है, उस पर शेडिंग नहीं आया, कि एक्चुअली वो जो रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए मैं छोड़ दिया हूँ, जो बाहर का लाइट का रिफ्लेक्शन जो आई बॉल में दिखाई देता है
इसीलिए उस जगह को छोड़ दिया हूँ। अब धीरे धीरे स्केचिंग करते करते आप समझ जाएंगे। तो 4B पेंसिल का यूज़ करके पूरा आईबॉल को मैं धीरे धीरे शेडिंग कर रहा हूँ हल्का हल्का। पूरा आईबॉल को किसी भी जगह को छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से धीरे धीरे शेडिंग करना है। किसी भी जगह को छोड़ना नहीं है हमें, पूरा जगह अच्छे तरीके से भर के शेडिंग करना होगा। धीरे धीरे टाइम लेके आप शेडिंग कीजिए। वीडियो टाइम लैप्स नहीं, मैं इसको थोड़ा सा स्पीड दिया हूँ क्योंकि ये पूरा अगर पूरा रियल टाइम वीडियो अगर देना जाता तो बहुत टाइम लग जाता। इसको पूरा ड्राइंग करने के लिए मुझे करीब करीब 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट जस्ट के टाइम लगा है। तो इसके लिए थोड़ा सा स्पीड किया हूँ मैं इस वीडियो को। तो इसको आईबॉल को पूरा शेडिंग करने के बाद इसको हम ब्लेंडिंग करेंगे। एक छोटा सा ब्लेंडिंग स्टंप लेकर इसको धीरे धीरे हल्का हल्का करके स्मूथली ब्लेंडिंग करेंगे पूरा आईबॉल को। अब देख सकते हैं मैं कितना धीरे धीरे इसको स्मूथली ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है आप लोगों को। धीरे धीरे जो आप स्केचिंग कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए, फिर उसको स्केच कीजिए। बिल्कुल भी जल्दी जल्दी नहीं करना है। ये बिगनर की सबसे बड़ी गलती है कि वो जल्दी जल्दी करने लग जाता है। इसको पूरा ब्लेंडिंग करने के बाद ऊपर वाला जो मैं व्हाइट पार्ट रख दिया हूँ, जिसको मैं रिफ्लेक्शन बता रहा था, उसको भी उस पर आईब्रोज का नेचुरली आईब्रोज का रिफ्लेक्शन आता है। या फिर कुछ भी रिफ्लेक्शन आप दे सकते हैं। या फिर मैं आईब्रोज को ड्राइंग करूँगा वहाँ पर, एक ऊपर जो आईब्रोज बनाऊँगा अभी उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है। आईब्रोज को ड्राइंग करूँगा मैं। अब हमारा आईबॉल पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो बाकी का जो शेडिंग है उसको मैं धीरे धीरे कंप्लीट करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। ये आउटलाइन का पेंसिल है। ये पूरा ड्राइंग में मैं आउटलाइन का पेंसिल ही यूज़ किया हूँ। ये आउटलाइन का H पेंसिल का यूज़ करके जो बाकी का पूरा हिस्सा है वो पूरा मैं हल्का हल्का शेडिंग करूँगा। जैसे लाइट पेंसिल होता है आउटलाइन का, उसके इस्तेमाल से हम पूरा पूरा ड्राइंग है तो पूरा शेडिंग करेंगे धीरे धीरे। कोई भी जगह को छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से धीरे धीरे स्लोली स्लोली काम करना है। स्लोली स्लोली पिक्चर को ऑब्जर्व करके आपको पूरा शेडिंग करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से मैं लाइटली पूरा ड्राइंग को शेडिंग कर रहा हूँ धीरे धीरे टाइम लेके। किसी भी जगह को हमें छोड़ना नहीं है क्योंकि जो स्केचिंग में व्हाइट व्हाइट जगह अगर रह जाए तो वो बहुत ही ख़राब लगता है देखने में। कुछ कुछ जगह पर ही हम व्हाइट का यूज़ कर सकते हैं, वो भी एकदम आखिर में हम हाईलाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर वैसे स्केचिंग के दौरान मैंने बहुत बिगनर्स का देखा है कि जो स्केचिंग करते हैं उसके मिडिल में कई कई जगह व्हाइट व्हाइट स्पॉट रह जाते हैं, ये स्केचिंग में बहुत ही ख़राब लगता है। तो वो हमें नहीं करना है, इसको हमें अच्छे से ध्यान में रखना है और बाकी पूरा हमें शेडिंग करना है। टाइम देना है, जो भी स्केच कर रहे हो उसको टाइम दीजिए। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी करके हमें कॉम्प्लीट करना है, नहीं, हमें ड्राइंग को सुंदर बनाना है, ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाना है, इसके लिए टाइम देना होगा। टाइम दीजिए, टाइम देके अच्छे से स्केचिंग कीजिए। शेडिंग पूरा कॉम्प्लीट हो जाने के बाद हम इसको ब्लेंडिंग करेंगे धीरे धीरे। ब्लेंडिंग स्टंप का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग करने के लिए। तो धीरे धीरे पूरा ड्राइंग जिसको हमने शेडिंग किया है को पूरा ब्लेंडिंग स्टैम्प के इस्तेमाल से हम ब्लेंडिंग कर लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा स्मूथ ब्लेंडिंग हो रहा है, एकदम स्मूथ स्किन टेक्सचर हमें मिल रहा है जो कि हमें चाहिए। अब इसका जो डार्क पार्ट है, जो ऊपर का जो डार्क हिस्सा है, उसके लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। ये भी आर्ट लाइन का 6B पेंसिल है। ऊपर जो स्किन लाइन होता है वहाँ पर डार्क लाइन होता है, उसके लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ करके ऊपर का हिस्सा पूरा डार्क करेंगे। जो जो जगह डार्क है तो पूरा हम डार्क करेंगे। स्केचअप कर रहे हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, किस जगह पर डार्क है किस जगह पर लाइट है, उसको ऑब्जर्व करके उस हिसाब से सही पेंसिल का यूज़ करके आप शेडिंग करें। अगर किस पेंसिल का यूज़ मैं अपने ड्राइंग में करता हूँ और आपको कौन सा पेंसिल यूज़ करना चाहिए, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो पहले बनाया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, ऊपर आई बटन में मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा।
और अगर अभी भी इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर नीचे लाइक बटन है उसको प्रेस करके लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अब मैं वही 6B पेंसिल का यूज़ करके जो आई का ऊपर का जो डार्क पार्ट होता है उसको शेडिंग करेंगे हम। जो भी डार्क पार्ट है ज़्यादातर मैं यहाँ पर उस डार्क पार्ट के लिए 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक शार्प पेंसिल का यूज़ करके ऊपर जो स्किन टेक्सचर है उसको ड्राइंग कर रहा हूँ। ये मैं अप्सरा का HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। जो ऊपर आई के ऊपर स्किन टेक्सचर होता है, स्किन का जो आज हमें दिखता है उसको ड्राइंग करने के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। भी ड्राइंग करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो ज़्यादा रियलिस्टिक इफेक्ट लाता है हमारे ड्राइंग में। आई के अंदर का जो व्हाइट पार्ट है उसको मैं व्हाइट नहीं रखना, उसको हल्का हल्का शेडिंग करना है। मैं यहाँ पर भी अप्सरा का एच पेंसिल का यूज़ करके धीरे अंदर का जो हिस्सा है धीरे धीरे हल्का हल्का शेडिंग करूँगा मैं अंदर का हिस्सा को। देख सकते हैं आप वीडियो पर मैं किस तरीके से अंदर के हिस्से को भी शेडिंग कर रहा हूँ, उसको व्हाइट नहीं छोड़ना। ऊपर वाला जो ड्राइंग था उसमें मैं व्हाइट छोड़ दिया हूँ। ज़्यादातर बिगनर ये गलती करते हैं कि ये व्हाइट हिस्सा होता है तो उसने उसको व्हाइट छोड़ दिया, पर नहीं, तो व्हाइट नहीं छोड़ना है, उसको भी शेडिंग करना है। फिर भी एक शैडो आता है। पूरा शेडिंग हो जाने के बाद इसको भी हम ब्लेंडिंग करेंगे। यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग करने के लिए कॉटन बड्स का यूज़ कर रहा हूँ। कॉटन बड्स से काफ़ी स्मूथ शेडिंग हो पाता है। अगर ब्लेंडिंग के रिलेटेड अगर आपको अलग वीडियो एक चाहिए कि किस तरीके से ब्लेंडिंग किया जाता है, ब्लेंडिंग के लिए हम किस किस चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, किससे रियलिस्टिक ब्लेंडिंग हो पाता है, इसके लिए अगर आपको अलग वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर एक न्यू वीडियो लाऊंगा। पूरा जो रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर आता है वो लाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। अब देख पा रहे जो डार्क हिस्सा है वहाँ पर डार्क को लाइट हिस्सा में लाइट एक सेट वो आ रहा है। आई के अंदर का भी जो वाइट हिस्सा है वहाँ पर मैंने जो शेडिंग किया था उसको भी हम ब्लेंडिंग करेंगे। छोड़ना नहीं है किसी भी जगह को, सब जगह को धीरे धीरे शेडिंग करना है, ब्लेंडिंग करना है। आई एम लेके ऊपर वाला जो ड्राइंग था उसको पूरा ड्राइंग और शेडिंग करने में मुझे लगभग 2 से 3 मिनट लगा, और नीचे वाला जो ये ड्राइंग है इसको पूरा करने के लिए मुझे 1 घंटा 15 मिनट से 20 मिनट लगा। अब मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, उससे नीचे का जो डार्क साइड है उसको मैं शेडिंग करूँगा। आइस का नीचे का हिस्सा ऊपर से थोड़ा लाइट होता है क्योंकि ऊपर शेडो ज़्यादा पड़ता है, ऊपर लाइट कम आता है इसलिए ऊपर शेडो ज़्यादा होता है, इसलिए ऊपर थोड़ा सा डार्क होता है नीचे के हिसाब से। ऊपर मैंने 6B पेंसिल का यूज़ किया है तो नीचे मैं 4B पेंसिल का यूज़ करूँगा। इसको भी हम पूरा कॉटन बड्स की यूज़ से ब्लेंडिंग करेंगे। आई का जो आईलाइसिस होता है उसको भी आपको एक एक अच्छी तरह से देख के ड्राइंग करना होता है, क्योंकि वो कुछ किस एंगल में रहता है, जिस एंगल में रहता है उसी एंगल में उसको ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं आईलाइसिस को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एकदम आई के अंदर नहीं होता, जहाँ पर आईबॉल ख़त्म होता है आईबॉल के नीचे, इस जगह से ही ये स्टार्ट नहीं होता है, वहाँ पर एक लाइन छोड़ना होता है। अगर आई को आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो पता चलेगा उसको नीचे एक तरह से लाइन रहता है, उसके बाद इसके आईलेसेस रहता है। हमारा आई का पार्ट तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर जो आईब्रोज होता है उसको हम ड्राइंग करेंगे, तो ऊपर एक लाइट पेंसिल का यूज़ करके एकदम हल्का हल्का पहले हम शेडिंग कर लेंगे। शेडिंग के बाद इसको ब्लेंडिंग भी कर लेते हैं। इसके लिए मैं ब्लेंड पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ, इसको पूरा ब्लेंड कर लेंगे। अब आता है आईब्रोज, इसको भी आपको आईलेसिस की तरह ही एक एक आईब्रोज देख देख के किस एंगल में है उस हिसाब से ड्रॉ करना पड़ता है। रियलिस्टिक ड्राइंग करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आईब्रोज किस एंगल में है उसी एंगल में उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से ड्रॉ कीजिए और हल्का हल्का करके इसको ब्लेंडिंग करते जाइए, स्किन के साथ इसको मिलाते जाइए, बस आपका आईब्रोज रेडी होता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लीट ड्राइंग है, ये किस तरीके से हुआ है आप देख सकते हैं, ऊपर का ड्राइंग देख सकते हैं आप, और ये वाला ड्राइंग देखिए कि किस तरीके से मैंने ये वाला ड्राइंग बनाया हूँ।
पहले वाला ड्राइंग और ये ड्राइंग में कितना डिफरेंस है आप देख सकते हैं। पहले वाले ड्राइंग में कोई डिटेलिंग नहीं था, कोई शैडो नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था किस जगह पर शैडो है, किस जगह पर लाइट हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आया था। तो गाइस आज की वीडियो इतना था कि अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर देना।